एक महीना परिवार के साथ रहने के बाद हॉस्टल का बुलावा फिर से आ गया था। भाई मेरे पापा है कूली नहीं, कूली का बना रहे उनको। अब ये एक ऐसा समय है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, पर मेरे को मेन टेंशन ये था कि मैं इतना सारा सामान अकेले ले जाऊंगा कैसे। पर जब तक मैं कोकन की खूबसूरती निहार ही रहा था, एक अनाउंसमेंट हुआ कि देवी और सज्जनों ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। होना क्या था, सभी हमारी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर निकल पड़े। जैसे तैसे इस तड़कती भड़कती धूप में सबने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, पर भाई हमने कहां देखा था कि यहां पर तो कोई छपरा ही नहीं है, पूरी धूप सीधा मुंह पे। जैसे तैसे सबके साथ तड़कती भड़कती धूप में तुम्हारा भाई भी ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था। जैसे ही हमारी राम प्यारी के दर्शन हुए, बस मेरे मन में एक ही डायलॉग आया, राम प्यारी को देखकर एक और चीज मन में आई कि भाई जंग के लिए तैयार हो। तो हमने हाथ में हथियार उठाया और जंग की ओर निकल पड़े। एक लंबे युद्ध के बाद महाराजा फरदीन ने अपना तख्त जीत लिया था। तुम भी सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो हमारे साथ एक हसीन सफर पर।